वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी सनाया की रसोई में आप सभी का वेलकम है। मैं हूँ शाहीन। आज आप देख रहे हैं अंडा बिरयानी जो कि नए तरीके से बना है। एकदम ना इसको उबालना पड़ा है, ना भिगोना है, ना इसे तलना है, फिर भी ये झटपट में बन जाएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चम्मच हल्दी ले लेंगे, जो हाफ चम्मच लेना है क्योंकि मेरे पास छोटा चम्मच ये है। और यहाँ पर हमने गरम मसाला ले लिया है और ये रेड चिली पाउडर है जो कि तीखी पाउडर होता है, और ये कश्मीरी मिर्च है, ये बिल्कुल तीखा नहीं होता है, ये कलर के लिए लिया जाता है। और यहाँ पर हम मीट मसाला लिए हैं हाफ टी स्पून लिए हैं, यहाँ धनिया भी उतना ही। यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटी इलायची, चार लौंग है, एक बड़ी इलायची, ये है जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च लिया है। यहाँ पर मराठी मुर्ग जो आप देख रहे हैं झगरीला है इसमें, और ये स्टार फूल है, और ये थोड़ा सा हमने शाहजीरा लिया है, और ये है जावित्री। अब हमें लेना है तेज़पत्ता, जो कि तीन तेज़पत्ता ले लेंगे, थोड़ी सी दालचीनी, हमारे पास स्टार फूल कम था तो उसको और लिया है थोड़ा सा। अब इन सभी को हम तेल में फ्राई करेंगे जिसमें अंडे को डालेंगे। चलिए आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन बड़े साइज में प्याज लिए जिसे ऐसे काट लिए हैं गोल में, और ये ग्रीन चिली है, और यहाँ पर अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाएंगे इस तरह से इसको। तो चलिए आगे दिखाते हैं। सबसे पहले अंडे हमने उबाल के रख लिए हैं, पहले ये 8 अंडा हमने लिया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप चाकू की मदद से बीच में चीरा लगा दीजिए, इससे ये होगा कि मसाले अंदर चले जाएंगे और ये और काफ़ी अच्छा बनेगा। इस तरह से हम सभी अंडों में चीरा लगा लेंगे एक में। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर इसी तरह हम सभी अंडे में चाकू के इससे चीरा लगा देंगे। तो यहाँ पर हो गया है सभी लगभग। अब इसे चलते हैं कोडिंग करने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे हम कोड भी करेंगे, और हमारे पास मसाले वही जो हमने आपको पाउडर मसाला दिखाया है वो उसी पाउडर मसाले को थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, और फिर उसके बाद एक एक अंडे उठा के उसी मसाले में हम कोट कर देंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से अगर नहीं कोट हो रहा है तो डायरेक्ट आप मसाले में ही कोट कीजिए, तो यहाँ पर इसका कलर आ जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए बगल में वीडियो हो गया था तो आपको दिखाने के लिए सामने लाए हैं। तो ये मसाला जो हमने सभी लिया है उन्हीं मसालों में इसको हम कोट कर लेंगे, फिर अलग से हमें मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी तरह सारे अंडों को हम कोट किए हैं। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना के खाइएगा अपने घर में, देखिए देखने में काफ़ी ये खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर अभी हम इसकी कोडिंग ही कर रहे हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है पर हमने कोई वीडियो कट नहीं किया है इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस तरह से हमने सारा वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम चावल ले लिया जो कि बासमती चावल है, इससे हम धुल के वैसे रख लिए हैं, भिगोना नहीं है, अगर आप चाहें तो भिगो भी सकते हैं। यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें जो मसाले बचे हैं अंडे को कोट करने के बाद उन सभी मसालों को इसमें हम डाल लेंगे। तो आगे स्टार्ट है, जो प्याज हमने आपको तीन स्लाइस दिखाया था, तीन प्याज बड़े, उसको हम यहाँ पे भून रहे हैं, इसका बरिस्ता हम बनाएंगे। तो प्याज जब हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पर हम निकाल लिए हैं, और थोड़ी सी हम मसाले में डालेंगे और बाकी ऊपर से डालेंगे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल और देसी घी और सरसों का तेल भी डाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए तो उसमें अंडा ये डालना है। आप अंडे के कलर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो इस तरह से फ्राई करें, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसलिए कि ज़्यादा फ्राई करने पे अंडा कड़ा हो जाता है खाने में, तो इसको हल्का से हम फ्राई करेंगे सिर्फ। तो और मसाले जो हमने इसके ऊपर डाले थे तो वो सब इसी कुकर में छोड़ दिया है, तो आप इसमें अब निकाल लीजिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो कोई बात नहीं, जितना है उसी में निकालने के बाद आप थोड़ी सी, अगर आपको तेल कम लग रहा है तो और डालिए, नहीं तो उसी तेल में आप जितने खड़े मसाले हैं सभी को ऐड कर दीजिए इस तरह से। तो सभी मसाले जब पकने लगे तो यहाँ पर
जो मसाला हमने बनाया था पेस्ट वाला, और थोड़ी सी प्याज इसे डाल देंगे। पहले प्याज आप डाल दीजिए, फिर मसाला थोड़ा सा पानी करके, और फिर यहाँ पर हमने जो पेस्ट बनाया था, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने डाला तो ये इतना धुआँ हो गया था कि कैमरे में कुछ आया नहीं है। तो इसमें प्याज वाला पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मसाला बचा था वो सभी डाल दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर तक पकाएंगे। जब ये तेल को सेपरेट कर देगा, तेल ऊपर छोड़ने लगेगा, तब आप समझिए कि ये मसाला पक गया है। तो यहाँ पर अभी तो ये मसाला पका नहीं, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है। तो ऐसे थोड़ी से हम और पानी को ऐड कर देंगे इसमें, जिससे मसाला नीचे पकड़े ना, जले ना, क्योंकि मसाला बहुत तेज़ी से जल जाता है। इसे तेज़ आँच पे हम पका रहे हैं, और ज़्यादा मसाला तो है नहीं क्योंकि बिरयानी बन रही है, तो कम ही मसाले की ज़रूरत है। यहाँ पे 1 चम्मच हमने सिर्फ नमक ऐड किया है, वो भी भर के चम्मच। आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार, जितनी फैमिली के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप नमक यूज कर सकते हैं। हम ये सिर्फ 5 लोगों के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्योड़ा वाटर डाल दिया है, अब अंडे को इसमें डाल देंगे। अंडे को डालने के बाद 2 मिनट हम पकाएंगे। थोड़ी सी मात्रा में इसमें पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि पानी के बिना चावल हो नहीं पाएगा। चावल हमने भिगोया भी नहीं है, उसे उबाला भी नहीं है, चावल कच्चा ही है, सिर्फ धुल के मैंने रख लिया है 2-3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर कितना अच्छा उभर के आया है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, और अंडे को हम सभी बाहर निकाल लिए हैं, क्योंकि अंडा को हमें अंदर नहीं करना है, ऊपर से हम डाल के रखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो चावल लिए उस चावल को इस तरह से फैला देंगे, इसे चलाना नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। सिर्फ ऊपर से सारे चावल की लेयर को आप लगा दीजिए। इतने पानी में मेरा ये बिरयानी हो जाएगा। सीटी सिर्फ 2 ही लगाना है, ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से चावल आप डाल दीजिए। अगर आप को दिक्कत हो रही है कि पानी कितना लगाए, तो आधा घंटा के लिए आप चावल भिगो के रख दीजिए, और सिर्फ इसमें जो 1 कटोरी पानी डाल दीजिए, तो ये अच्छे से पक जाएगा, एकदम नरम और चावल लंबा भी हो जाएगा, और ये आपका बिरयानी गीला नहीं बनेगा खिचड़ी की तरह। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ें को ऐड कर दिया जितना चावल था। अब इसके ऊपर हम ये अंडे को ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हमने प्याज निकाला है तो प्याज भी हम ऐड करेंगे। इसमें 2 चीज़ें नहीं हैं, जो कि आप लोग जानते हैं, टमाटर इतना महंगा है तो टमाटर नहीं डाला है, बिना टमाटर के बिरयानी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे, जो कि एकदम आधी कटोरी से भी कम है, इतना है। और प्याज अब इसके ऊपर डालकर हम इसको ढक्कन लगाएंगे, और इसमें 2 सीटी सिर्फ आना है, ज़्यादा सीटी नहीं। अगर आपके पास अच्छा वाला कुकर है तो 2 सीटी, अगर जिसमें एक होता है कि बार बार कुकर की सीटी आती है, अंदर से सामान बाहर आने लगता है पानी, वो वाली अगर कुकर होगी तो 2-3 सीटी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा बिरयानी बन के तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं भाप भी निकल रहा है। तो इस तरह से हम सभी बिरयानी को, चावल को नीचे से मिला लेंगे मसाले को। तो ये यहाँ पर चावल टूटा नहीं है, चलिए सर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया है बिरयानी, तो यहाँ पर हम सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अंडे को हमने ज़्यादा तला नहीं किया है, फ्राई नहीं किया है, और एक अंडे हमने यहाँ पर काट के भी दिखाया है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी लजीज और अच्छा बनेगा। तो एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, पूरी वीडियो भी नहीं देखते आप लोग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी हम प्याज के लच्छे को डाल देंगे, इस तरह से कच्चा प्याज है, और ऊपर से हम थोड़े से पुदीना डाल देंगे। आप चाहें तो मसाले में भी पुदीना डाल सकते हैं, हमने पुदीना नहीं इस्तेमाल किया है, जितना घर का सामान था उसी में बनाया है। तो ये हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, इसे हमने खा चुके हैं तब जाके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बनेगी। अगर इस ट्रिक से आप बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बनेगी, तो एक बार इस ट्रिक से बना के ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये कलर है, आपकी मर्ज़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।